थोड़ी स्वेलिंग है मेरे यहाँ, ये आप क्राउन देख सकते हैं। जो फेस है वो छत की तरफ को होना चाहिए। मेरे कितने पैसे लगे? हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे और बिंदास होंगे। और आज मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को दूसरा दिन है। मैं आज आपको अपनी कंडीशन दिखाऊंगा, बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा कि दूसरे दिन आपकी कंडीशन कैसी होती है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद। मैं अपनी कंडीशन दूसरे दिन की दिखाऊंगा और आपको दूसरे दिन मतलब ट्रांसप्लांट के बाद से और आगे के कुछ दिन तक आपको क्या करना है, कैसे स्लाइन वाटर स्प्रे करना है, क्या मेडिसिन लेनी है, कैसे केयर करनी है, कैसे प्रिकॉशन लेना, वो सब आपको बताऊंगा। तो आपने अगर ट्रांसप्लांट कराने का सोच रहे हैं या करा चुके हैं जस्ट रिसेंटली, तो आपको इससे फ़ायदा भी मिलेगा और साथ में मेरे बाल तो देखने को मिलेंगे ही। इसलिए पूरी वीडियो में बने रहिए और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो दूसरे दिन सबसे पहले आप मेरी कंडीशन देख लीजिए। दूसरे दिन की कंडीशन कुछ ऐसी है, ये मेरे दूसरे दिन की कंडीशन है, आप देख सकते हैं कुछ ऐसी कंडीशन है। ये दूसरे दिन मेरे यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ मेरे टेंपल में काम हुआ है, थोड़ी स्वेलिंग है मेरे यहाँ पे इस एरिया में, थोड़ी स्वेलिंग है यहाँ पे इस एरिया में, तो स्वेलिंग की वजह से थोड़ा सूजापन लग रहा है और जो टेंपल है वो भी थोड़े पीछे लग रहे हैं, जब जो हेयर लाइन है वो भी पीछे लग रही है। लेकिन आप टेंपल में देखिए, टेंपल में भी स्वेलिंग है और यहाँ पर भी स्वेलिंग है। आज मेरे ट्रांसप्लांट को सिर्फ दूसरा दिन है और मेरा इतना एरिया ट्रांसप्लांट हुआ है ये, और थोड़े से बाल यहाँ पे भी डले हैं और क्राउन में तो डले ही है। तो टेंपल मेरा कुछ ऐसा है, स्वेलिंग है यहाँ पे, आपको थोड़ा टेंपल थोड़ा सा भरा भरा दिख रहा होगा क्योंकि इसे स्वेलिंग है। बाकी डेंसिटी वगैरह काफ़ी अच्छी दी गई है। यहाँ पे भी मेरे थोड़े ग्राफ डले हैं और बाकी क्राउन में डले हैं यहाँ पे। ये आप क्राउन देख सकते हैं, यहाँ पे भी मेरे ग्राफ डाले गए हैं, तो इसकी वजह से मेरी थोड़ी डेंसिटी इंप्रूव हो जाएगी। और जो मेरे ग्राफ्ट लिए गए हैं मेरे स्कैल्प से पीछे से लिए गए हैं, बियर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मेरा डोनर अभी भी अच्छा था। और अब आगे पता नहीं कि मेरे उसमें स्कैल्प में बाल बचे हैं या नहीं, ये तो नहीं पता। और मुझे फील कैसा हो रहा है ये आप ज़रूर जानना चाह रहे होंगे। देखो, पहले ट्रांसप्लांट के जब मेरा फर्स्ट डे था, उस दिन आपको जब लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, जब ही आपके सर में पेन फील होता है, आप कोई भी इंजेक्शन लगवाते हैं, जैसे आपने अभी ये जो वैक्सीन का लगवाया होगा, पेन हुआ होगा इंजेक्शन लगाने, तो ऐसा ही पेन होता है जब सुन करने के लिए आपको इंजेक्ट किया जाता है इंजेक्शन। वरना जब सुन हो जाता है आपका स्कैल्प, तो आपके स्कैल्प में आपको पता भी नहीं चला कि आपके स्कैल्प में हो क्या रहा है, बिल्कुल फील ही नहीं होता कुछ भी, तो सिर्फ ये रहता है। और अब मैं दूसरे दिन कुछ ऐसा फील कर रहा हूँ, मतलब कि मेरे कहीं पे भी पेन नहीं है, ना मुझे कोई थकावट महसूस हो रही है, सिर्फ यहाँ पे हल्की सी जकड़न फील हो रही है क्योंकि ग्राफ्ट लगे हैं तो जकड़न सी कुछ दिन रहेगी। जैसे हाथ ऐसे पकड़ लेते हैं तो थोड़ा सा जकड़न सी फील होती है, तो कुछ ऐसी जकड़न फील हो रही है और हल्का हल्का मेरा सर में भारीपन हो रहा है। और इसके अलावा मैं ना तो मैं मतलब वीकनेस फील कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पर भी, देख सकते हैं कितनी एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, तो मेरा कुछ ऐसी फीलिंग है। रात को मुझे थोड़ी ज़्यादा नींद नहीं आई, जी हाँ देखो, सेकंड डे इतनी नींद नहीं आई, भले ही मैं थका हुआ था लेकिन मुझे प्रॉपर तरीके से नींद नहीं आई। अब जब आप सर्जरी करा के आते हैं तो आपको लेटना कैसा है, मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा कि आपको कैसे लेटना है। आपको ऐसे लेटना है आराम से, सबसे पहले एक पिल्लो, एक सॉफ्ट सा पिल्लो ले लेना है, कोई छोटा सा, जिसमें आपको ये जो आपका स्कैल्प जहाँ बैंडेज लगी हुई है, ये आप यहाँ पे ऐसे सर रख के लेट सके, या आप ऐसे लेट सकते हैं, ऐसे सीधा करके लेटना है ऐसे। ये एरिया है जो आपका बैंडेज का, ये पिल्लो से थोड़ा बाहर होना चाहिए। अगर आपके क्राउन में ग्राफ्ट लगे हैं तो ये आपका बैंडेज और ये एरिया पिल्लो के बाहर होना चाहिए, ताकि कोई ऐसा पिल्लो लेना जो ज़्यादा चौड़ा ना हो। ये चौड़ा है क्योंकि मेरे पास अभी यही है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको ज़्यादा चौड़ा पिल्लो नहीं लेना, थोड़ा सॉफ्ट सा और छोटा लेना है। और आपका ऐसे कोशिश करनी है ये बैंडेज वाला एरिया बाहर रहे, अगर आपके क्राउन में ग्राफ्ट लगे हैं। अगर क्राउन में ग्राफ्ट लगे हैं नहीं लगे तो फिर आप सिंपल कोई वैसा कोई भी मतलब पिल्लो यूज़ कर सकते हैं। और आपको ऐसे लेटना है सीधे, आपका जो फेस है वो छत की तरफ को होना चाहिए, आपको बिल्कुल भी ऐसे करवट नहीं लेना, आपको करवट बिल्कुल नहीं लेना ट्रांसप्लांट के बाद, याद रखना है। आपको कम से कम 6 से 7 दिन आपको करवट नहीं लेना, आपको ऐसे नहीं लेटना, ना ऐसे लेटना, ना उल्टा लेटना है, सिर्फ आपको ऊपर की तरफ को सर करके सोना है ऐसे, को ये कम से कम 6 से 7 दिन ऐसे सोना है। और उसके बाद आप ये होता है जो स्लाइन वाटर, ये आपको हर 1 घंटे के बाद स्प्रे करते रहना है, कुछ क्लिनिक वाले आधे घंटे के बाद भी बताते हैं, तो मैं तो लेकिन मैं 1 घंटे के गैप के बाद स्प्रे कर रहा हूँ। और स्प्रे आपको ऐसे करना है,
मतलब हल्का हल्का स्प्रे करना है, बल्कि आपको करके दिखा देता हूँ। इसमें थोड़ा सा फैल के जा रहा था, ये जो सलाइन वाटर फैल के जा रहा था, तो मेरा जो मिनोक्सीडिल का है डब्बा मैंने उसमें डाल लिया। और इसका स्प्रे बहुत अच्छा है, जहाँ ज़रूरत है सिर्फ वहीं पर डलता है। मैं आपको स्प्रे करके भी दिखा देता हूँ। आपको ऐसे स्प्रे करना है, आप देख रहे होंगे थोड़ा सा सलाइन वाटर नीचे बह जाता है, इससे कोई इश्यू नहीं है, कोई खतरे वाली चीज़ नहीं है कि आपकी कहीं चला जाएगा तो आपको दिक्कत होगी। आप देख रहे होंगे स्प्रे हो रहा है ऐसे, और क्राउन में मेरे बाल लगे तो यहाँ पे भी स्प्रे कर रहा हूँ मैं। मतलब ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा सा इसको गीला रखना है, और ये आपको कम से कम 7 दिन आपको स्प्रे करना है, 7 दिन तक। मेरे जैसे आपकी हेड वॉश होती है, हेड वॉश के बाद आप इसको बंद कर सकते हैं 1 या 2 दिन के बाद, बाकी कम से कम 7 दिन आपको करते रहना है। इससे थोड़ा सा ड्राइनेस नहीं रहती, वहाँ पे थोड़ी नमी बनी रहती है और आपके ग्राफ्ट थोड़े हार्म नहीं होते। और आपको कुछ मेडिसिन भी लेनी है, आपकी जो मेडिसिन है ट्रांसप्लांट वाले दिन से शुरू होती है, और कम से कम 5 या 6 दिन तक आपको मेडिसिन लेनी होती है। कुछ इस तरह की मेडिसिन होती है, और जो ये स्पेशल मेडिसिन होती है, आपको पेन किलर होती है इसमें, और जो स्वेलिंग आती है ये भी ना आए, और आपके पेट में मतलब थोड़ा डाइजेशन ठीक रहे, तो कुछ इस तरह की मेडिसिन होती है, और कुछ आपके मतलब ये घाव है थोड़ा जल्दी हील हो जाए, तो इस तरह की मेडिसिन होती है। सिर्फ आपको ये 5 या 6 दिन लेनी होती है, उसके बाद आप मेडिसिन छोड़ सकते हैं। और ट्रांसप्लांट के लगभग 7 दिन के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा डोनर में थोड़ी ही खाज आनी लगेगी, वहाँ पे आपको इरिटेशन सी फील होने लगी, तो आपको वहाँ पे 8 या 9 दिन के बाद कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और जो ये बैंडेज रिमूव करनी है आपको 24 घंटे में या 36 घंटे में रिमूव करनी है, और कोई चीज टकराए ना, ये भी याद रखना, आपका स्कैल्प कहीं से टकराए ना, और कहीं पर भी आपको फेस अपना ऐसे नहीं रखना नीचे की तरफ को। और पॉसिबल हो कम से कम 7 से 8 दिन आप अपने घर में रहे तो ज़्यादा अच्छा है, कोई इन्फेक्शन का खतरा नहीं रहता। और साथ में आप नॉर्मल खाना खा सकते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं खाना, मतलब चिकन वगैरह ये वो, सिंपल दाल सब्जी खाइए अपने घर की कम से कम 6 से 7 दिन। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको आई थिंक काफ़ी हेल्पफुल होगी। मैं खुद भी ये चीज़ें अप्लाई कर रहा हूँ, और आप भी थोड़ा अप्लाई करते रहिए अगर आपने ट्रांसप्लांट करा लिया है। और मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है, इससे आपको भी बहुत बेनिफिट मिलेगा, आपको हर चीज़ छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी पता चलती रहेगी, आपको डॉक्टर से भी शायद इतनी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपके डॉक्टर कुछ इस तरह की कैप देते हैं, ये वाली कैप, ये मेडिकल वाली कैप होती है, इसको आपको ट्रांसप्लांट से जैसे आप घर आते हैं आप लगा के सो भी सकते हैं फर्स्ट नाइट, लेकिन आपको याद रखना है आपकी ये जब ग्राफ्ट चिपक जाती है, तो जब आप सुबह को ऐसे उतारोगे सो के उठने के बाद, तो वो चिपकी ना है, बहुत प्यार से आपको ऐसे खींच के और प्यार से उतारना है, और हो सके तो किसी की हेल्प ले लेना। और आप ये कैल्प आपको बिल्कुल 7-8 दिन लगातार लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप अगर अपने घर में हैं तो ये आपको घर में इतनी लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप टॉयलेट जा रहे हैं तो टॉयलेट में आप लगा के जा सकते हैं, वैसे ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि वहाँ पे थोड़ा इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। टॉयलेट में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, बाकी अगर घर में है तो आपको लगातार यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं तो सिर्फ ये रात को मैंने यूज़ की थी सोते टाइम, अब तो शायद मैं इसको घर में यूज़ भी नहीं करूँगा, क्योंकि ये थोड़ा सा फ्री माइंड चाहिए मुझे, और नॉर्मल खाना खा रहा हूँ, और मेरी कंडीशन आपने देख ही ली। मैंने अपने टेम्पल का ट्रांसप्लांट कराया है, हेयर लाइन का कराया है, मेरा कुछ पहले एंगल ऐसे था, ऐसे लेडीज टाइप का था, और अब मेरा एंगल ऐसे है, पीछे सामने से ऐसे जा रहा है, और फिर टेम्पल बने हैं मेरे, तो आई थिंक अब लुक मेरा बहुत अच्छा आएगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहेगा। आप प्लीज़ मेरे लिए प्रे भी करना, और मेरी मेहनत रहेगी, आपको थोड़ा बताता भी रहूँ, आपको भी इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। और चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। और इसी तरह मैं डे बाई डे आपको कंडीशन भी अपनी दिखाता रहूँगा। और बहुत सारे बंदे अब ये भी कह रहे हैं कि साहिल भाई आप अपने क्लिनिक के बारे में क्यों नहीं बता रहे कि आपने कहाँ सर्जरी कराई है। देखो मैंने आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करो, अगर आपको उसी क्लिनिक में सर्जरी करानी है मैं क्लिनिक से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा, मेरे कितने पैसे लगे पर ग्राफ क्या रहा, कौन सा क्लिनिक है, कहां पे क्लिनिक है, आपको सब डिटेल दे दूंगा, आपके लिए बिल्कुल आसान है, सिर्फ मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है अगर आप मेरे क्लिनिक में चाहते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। अगर आप अदर स्टेट में कहीं पे भी इंडिया में ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं तो मैं आपके बजट के अकॉर्डिंग कोई दूसरा क्लिनिक सजेस्ट कर दूंगा, आपकी कॉस्ट के अकॉर्डिंग, आपके एरिया के हिसाब से, आपके स्टेट के हिसाब से, आपके आसपास भी मैं कई क्लिनिक सजेस्ट कर दूंगा।
करूंगा जो आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट दे सके। तो इसी तरह मैं पहले भी कर रहा था कि आपको स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग क्लिनिक बताता रहता था, आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। और अगर आप मेरी क्लिनिक में कराना चाहते हैं तो मैंने व्हाट्सअप नंबर दे रखा है आपको, मैं डिटेल दे दिया करूंगा सारी, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो भाइयों चलता हूं फिर एक अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर जल्दी आपके सामने आ जाऊँ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।